तो सर आइए आपको पेपर नैपकिन मशीन का रनिंग प्रोसेस बताते हैं। ये हमारी मशीन है, इसमें हमने जंबो रोल लोड करना है। जंबो रोल लोड करने के बाद हम यहाँ एम्बॉजिंग करते हैं। एम्बॉजिंग करने के बाद यहाँ हम ये प्रिंटिंग यूनिट है, यहाँ पे 4 कलर की हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग होने के बाद यहाँ हमारा ड्रायर लगा हुआ है ऊपर, पेपर यहाँ से। अभी हमारे टॉयलेट रोल बन के तैयार हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाने जो कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे में मशीनरी वगैरह देख पाएंगे, नैपकिन की मशीन हो गई, टॉयलेट पेपर की मशीनरी हो गई और साथ में एल्युमिनियम फॉइल की मशीनरी हो गई। इस तरीके की मशीनरी और बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लहूती प्रिंटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में इंट्रोड्यूस करवाने वाले और इनकी मशीनरी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो सर से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पर लेकर आए। हेलो सर, कैसे आप। सर हमने ये एग्जीबिशन लगाई है यहाँ पे एक्सपो मार्ट में। हम यहाँ पे अपनी नैपकिन की मशीन, टॉयलेट रोल की मशीन, एल्युमिनियम फॉइल रिबाइंडिंग की मशीन और पैकिंग मशीन्स लेके आए हैं। हमारी कंपनी पेपर कन्वर्टिंग मशीन में डील करती है और हम कई तरह की मशीनें पेपर इंडस्ट्री की बनाते हैं। तो मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो नैपकिन मशीन्स हैं और टॉयलेट रोल मशीन्स हैं, फॉइल मशीन्स हैं। वही अब आइए हम आपको दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सारी की सारी मशीनरी आपको ब्रीफ में दिखाने वाले हैं, साथ में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग किस तरीके का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं, आप लोगों को सारी मशीनरी दिखाते हैं। मैं लहूती प्रिंटेक प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी का। हम पेपर कन्वर्टिंग की मशीन्स बनाते हैं, जैसे टिश्यू पेपर की मशीन्स, टॉयलेट रोल की मशीन्स और बटर पेपर रिवाइंडिंग की मशीन्स, एल्युमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग की मशीन्स, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली कई तरह की मशीनें जो हम बनाते हैं। तो हमने उसका यहाँ अपना स्टॉल लगाया पेपर एक्स में। तो आइए आपको कुछ मशीनों के बारे में ब्रीफ करते हैं। ये मशीन जो है हमारी, ये कॉम्बो मॉडल है। इसमें हम बटर पेपर प्रिंट करके बटर पेपर तैयार कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं और एल्युमिनियम फॉइल जो है वो भी रिवाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसके फाइनल प्रोडक्ट है। ये बटर पेपर जो है हमारा बर्गर में यूज़ होता है, रेस्टोरेंट में यूज़ होता है और ये हमारा एल्युमिनियम फॉइल है जो हम अपना फूड रैपिंग के काम में आता है हमारा घर में। तो ये मशीन, इस चीज़ के लिए ये मशीन हमने बनाई है। ऑलरेडी हमारा ये बड़ा हिट मॉडल है कॉम्बो, तो हमने यहाँ डिस्प्ले किया है इसको और मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये हमारी 4 कलर की मशीन है, नैपकिन प्रिंटिंग की और नैपकिन मैनुफैक्चरिंग की। इस तरह से हम इसमें टिश्यू पेपर बनाते हैं। इस मशीन की ख़ास बात यह है कि, आइए मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। आइए, इस मशीन की ख़ास बात यह है कि ये हमने 4 कलर में बनाई है। मोस्टली जो है 2 कलर की मशीन होती है, लेकिन हमने इस बार ये कुछ नया किया है एग्जीबिशन के लिए, तो हमने 4 कलर मशीन बनाई है। और इसमें सिस्टम ऐसा होता है कि पीछे हमने रील लगाई, यहाँ पे हमने प्रिंटिंग करी, प्रिंटिंग करने के बाद हमने एम्बॉजिंग करी। एम्बॉजिंग जो आपने देखी होगी, इसमें दाने दाने से जो एम्बॉज हो जाते हैं वो यहाँ से एम्बॉजिंग होती है, प्रिंटिंग, एम्बॉजिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर फोल्डिंग। ये हमारा फोल्डिंग यूनिट है, यहाँ पे हम फोल्डिंग करते हैं, उसके बाद हमारा आगे कटिंग हो जाता है। कटिंग होने के बाद हमारा नैपकिन बन के तैयार है। ये जी 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 सर, बिल्कुल इस तरह से हमारा फाइनल। इसकी पैकिंग करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर आएँ ज़रा। ये पीछे पैकिंग की मशीन, ये हमारी पैकिंग की मशीन है। इसमें कन्वेयर लगा हुआ है, इसमें कन्वेयर में हम नैपकिन रख देंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ ऐसे करके हमने ये कन्वेयर पर नैपकिन रखा और आगे जाके वो उसको पैक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें पैकिंग भी हो जाएगी और सीलिंग भी हो जाएगी। अभी देखिए, ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, सीलिंग हो गया, तैयार हो गया। इसमें मैनुअल वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक आदमी की जरूरत तो आपको पड़ेगी इसमें नैपकिन रखने के लिए, बाकी फिर आगे जो है पैक हो जाएगा। जी जी, पहले तो हम इस मशीन में पहले जंबो रोल लगाते हैं पीछे। जंबो रोल लगाने के बाद, ये देखिए जंबो रोल लगा हुआ है। जंबो रोल लगाने के बाद हम यहाँ पे एम्बॉजिंग करते हैं। ये एम्बॉजिंग यूनिट है हमारा, इसमें एम्बॉजिंग होती है, जो इस तरह से ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये एम्बॉजिंग, इसको एम्बॉजिंग बोलते हैं। एम्बॉजिंग होने के बाद इसमें परफ्रेटिंग होती है। परफ्रेटिंग जैसे जो यहाँ पे कट होता है, जब हम टॉयलेट रोल तोड़ते हैं, जिस जो कट होता है उसको परफ्रेटिंग कहा जाता है। परफ्रेटिंग होने के बाद फिर रिवाइंडिंग होती है। ये रिवाइंडिंग होने के बाद जब ये रोल तैयार हो जाता है, फिर हम उसको कटिंग मशीन पर कटिंग करते हैं, तो हमारा टॉयलेट रोल तैयार हो जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे टॉयलेट रोल बन के तैयार हो गए। ये हमारी पैकिंग मशीन है,
इसमें हम टॉयलेट रोल को पैक कर लेंगे। सर बेसिकली जैसे हमने आपसे जानने की कोशिश की, आप टॉयलेट पेपर वगैरह की और नैपकिन टिश्यू पेपर वगैरह में सारी मशीन में डील करते हैं। बिल्कुल सर। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की एक जरूरत होती है? मैं आपको बताता हूँ सर, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जैसे आप अगर टू कलर प्रिंटिंग के साथ टू एम्बॉजिंग के साथ एक नैपकिन मशीन लगाते हैं तो 6,90,000 रुपये की हमारी मशीन है। इसके अलावा कुछ आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए तो आप मान के चलिए 9 से 10 लाख रुपये में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सिंगल फेस की मशीन है, घरेलू जगह में भी आप लगा सकते हैं इसको, रेजिडेंस वाली जगह पे भी लगा सकते हैं। सिंगल फेस मशीन होती है। और प्रॉफिट की बात करूँ तो ये एक डेली यूज होने वाला ही जो आइटम्स है, प्रॉफिट की बात करूँ तो सर कितना मार्जिन बच जाता है? सर 20 से 25% का मार्जिन तो है इसके अंदर जो है ना। और जब होलसेल में आप काम करेंगे तो रिटेल में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन है, होलसेल में थोड़ा कम है, लेकिन यह है कि आप उसमें क्वांटिटी ज़्यादा बेच सकते हैं तो इसमें काफ़ी सप्लाई होती है होलसेल के अंदर, होटल्स में, रिटेल मार्केट्स में, बहुत सारी फील्ड है, हर जगह आपने देखा होगा नैपकिन यूज़ होता है। और नैपकिन के बिना तो आजकल कुछ गुजारा नहीं है किसी का भी, हाइजेनिक होते जा रहे हैं सब, तो बिना नैपकिन के तो गुजारा नहीं है। पॉपुलेशन हमारी बहुत है तो अभी इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हो सकती है आगे चल के। अभी कितने लोग नैपकिन यूज़ कर रहे हैं आप सोचिए, जितने टाइम के बाद लोग अवेयर हो जाएंगे और इसका यूज़ बढ़ता चला जाएगा तो अभी इस इंडस्ट्री में बहुत चांस है, अभी बहुत इसमें ग्रोथ हो सकती है। सर इस तरह की मशीनरी को परचेज करने के लिए कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे अपना बिजनेस? हाँ सर बिल्कुल सर, हमारी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में है, साइट 5 कासना में। आप कभी भी हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं, हमारे सेल्स टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा सारा। और आप आए कभी भी विजिट करें, और ये हमने एग्जीबिशन लगाई है इसमें भी आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और फैक्ट्री आप कभी भी आ सकते हैं, संडे को छोड़ के विजिट कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा। थैंक यू सर। तो सर आइए आपको पेपर नैपकिन मशीन का रनिंग प्रोसेस बताते हैं। ये हमारी मशीन है, इसमें हमने जंबो रोल लोड करना है। जंबो रोल लोड करने के बाद हम यहाँ एम्बॉजिंग करते हैं। एम्बॉजिंग करने के बाद यहाँ हम ये प्रिंटिंग यूनिट है, यहाँ पे 4 कलर की हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग होने के बाद यहाँ हमारा ड्रायर लगा हुआ है ऊपर, पेपर यहाँ से ड्राई होके, अभी इस टाइम प्रिंटिंग नहीं हो रही लेकिन हम प्लेन नैपकिन बना के दिखा रहे हैं कस्टमर लोगों को। तो यहाँ से हम जो है हमारी फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होने के बाद यहाँ भी फोल्डिंग होती है, उसके बाद यहाँ आगे नैपकिन बन के तैयार हो जाता है, यहाँ कटिंग होके हमारा नैपकिन इस तरह से बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस है पूरा, उसके बाद पैकिंग वगैरह होती है? हाँ उसके बाद पैकिंग होती है, वो आपको दिखाया था पैकिंग। ये पूरा मशीन का नैपकिन का प्रोसेस है, इस तरह की काफी सारी मशीनरी भी आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल सर। सर वो वाली मशीनरी का भी प्रोसेस कैसे है सर? हाँ वो मोस्टली तकरीबन सेम प्रोसेस है। चल नहीं रही है इस मशीन में भी, वही है सर, यहाँ पीछे जंबो रोल लगाते हैं हम इसमें, यहाँ पे फिर हमारा प्रिंटिंग यूनिट है, 2 कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं इस मशीन में। प्रिंटिंग करने के बाद हम आगे आएंगे यहाँ पे, फिर हम ये रिवाइंडिंग यूनिट है, यहाँ हम इसको रिवाइंड कर लेंगे। रिवाइंड करके ऐसा हमारा ये बर्गर पेपर का रोल जो हमारे घरों में यूज़ होता है, रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, ये रोल हमारा तैयार हो जाएगा। और हम इस मशीन में हम एल्युमिनियम फॉइल भी रिवाइंड कर सकते हैं। ये हमारा इसका जंबो रोल स्टैंड है इसका, इसके अंदर हमने एल्युमिनियम फॉइल की जंबो रोल लोड की है, और यहाँ से लगाने के बाद हम यहाँ आगे इसी तरह से इसको भी रिवाइंड कर सकते हैं। तो एक मशीन से 2 काम हो जाएंगे आपके, और प्रिंटिंग भी हो जाएगी और पेपर पे, और ये हमारी फॉइल भी रिवाइंड हो जाएगी।